सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो से मैंने वादा किया था, उस वादे को जो है मैं कंप्लीट भी कर रहा हूँ। यानी आप लोगों से मैंने वादा किया था कि जो भी बच्चे इस बार आईटीआई से जो है इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए जो है मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जो है मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है मैं आप लोगों को सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि पेपर का जो है पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग जो है आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ व्याकरण। अब व्याकरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं आप लोगों को सबके बारे में बता देता हूँ। संज्ञा हो गया, जैसे कि सर्वनाम हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, तो सबके बारे में मैं आप लोगों को जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को भी बताऊंगा। और साथ के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना इसका आंसर भी मेंशन है। यानी जैसे ही मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ दूंगा, तो आप पीडीएफ के थ्रू भी जो है आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम जरूरी है, आप में से कोई भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसकी, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि एक दिन और बचे हैं आपके पास, क्योंकि 7 तारीख का तो एग्जाम ही है। तो मैं भरसक में प्रयास कर रहा हूँ कि कल कुछ और जो है आप लोगों को इम्पोर्टेंट कुछ करा दूं, ताकि आप लोगों की जो है अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा के बारे में, और भाषा में सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन सी लिपि दाई से बाई और लिखी जाती है। तो आपको याद रखना है फारसी। फारसी में हम लोग क्या लिखते हैं, दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं। देवनागरी लिपि क्या है, तो आपको बताना है कि देवनागरी जो लिपि है वो क्या है, अक्षरात्मक, बस आपको एक बार रीड कर लेना है। रोमन लिपि क्या है, तो रोमन लिपि जो होता है वह वर्णमागत लिपि कहलाती है। भारत की प्राचीन लिपि जो है वो कौन सी है, तो वो है ब्राही लिपि। हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की जो लिपि होती है उसे हम लोग देवनागरी कहते हैं। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि क्या होती है, तो उसकी भी जो होती है वो देवनागरी ही होती है। देवनागरी लिपि का विकास किस किस लिपि में हुआ है, तो इसका जो है ब्राह्मण लिपि के अंतर्गत जो है इसका विकास या हुआ है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में घोण वर्ण कौन सा है, तो घोण वर्ण आपको बताना है किसका हो जाएगा आपके पास, अह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो आपको बताना है ख का जो उच्चारण होता है वो खंड से होता है। हिंदी में अतः रद स्वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है स्वर्ग की जो संख्या होती है वो 4 होती है ना। 4 को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, तो ये है आपका व्यंजन। म का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओट, है ना। निम्नलिखित में से अनुशासित वर्गों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपके जो है इंटर के एग्जाम में आ भी रखा है, तो आपको याद रखना है 5। य, र, ल, व का व्यंजन है, आपको बताना है इसका जो व्यंजन है अतः स्वर व्यंजन कहलाता है। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो घ का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। ज का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका जो होता है तालु होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना है कि ये जो आते हैं स्पर्श व्यंजन के रूप में आते हैं। अब थोड़ा सा लिंग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिंग में हमने पीछे भी अभी लिंग का ही क्वेश्चन देखा था, जो 5 नंबर 6 नंबर था। याता शब्द जो है वो किससे लिया गया है, तो स्त्रीलिंग से लिया गया है। चमन शब्द जो है वो किससे लिया गया है, तो स्त्रीलिंग से लिया गया है। कुहासा जो शब्द है वो किससे लिया गया है, पुल्लिंग से। घी जो शब्द है वो किससे लिया गया है, पुल्लिंग से लिया गया है। भाई स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में भी पढ़ना है। बनावट के अनुसार शब्द के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपको बताना है 3। मौसम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना है विदेशक। निम्न से किसी की बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि इसका आंसर हो जाएगा निस्से विध्वंस वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फागुन शब्द जो है वो क्या है, तो आपको बताना है तस्पंग है। रात्रि शब्द जो है वो क्या है, वो भी जो है तस्पंग है। सावन शब्द जो है वो क्या है, आपको बताना है तद वर्ब है। आंसू शब्द जो है वो क्या है, तद वर्ब है। रात जो शब्द है वो क्या है, तरुधव है। शेख जो शब्द है वो क्या है आपके पास, तस्मन है ना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। होली जो शब्द है वो क्या है आपके पास, विदेशक है। चेत जो शब्द होता है वो क्या है आपके पास, तद्भव है। चत्रवक जो शब्द है वो क्या है आपके पास, तो वो है आपके पास तत्समय, है ना। डॉक्टर जो शब्द है वो क्या है, विदेशक। विकास का उद्गमय की दृष्टि से शब्द जो होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से शब्द के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं, है ना। उसके बाद है रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद जो है वो क्या है, तो आपको बताना है जो शब्द के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आदामी शब्द जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो फारसी से लिया गया हुआ
शब्द है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद जो है कितने हैं? आपके पास तीन है। मैं देखता हूं वाक्य जो है वो क्या है? सरल वाक्य है। सुबह हुई है इसीलिए पक्षी चहे उठे वाक्य में क्या है? तो मिश्र वाक्य है। अलका पड़ेगा और लोग मरेंगे, तो इसका क्या है? संयुक्त वाक्य है। वाक्य के आवश्यक अंग जो है वो कौन से होते हैं? दो अंक होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो इसके जो है 8 भाग होते हैं। वह घर ही नहीं जाएगा वाक्य जो है वो क्या है? निषेध वाचक है। एक गिलास पानी लाओ वाक्य जो है वो क्या है? वो है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ये जो वाक्य है वो क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है ना। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये क्या है? इच्छावाचक है ना। अब तक सो गया होगा, तो ये जो क्या है? संदेहवाचक। पगड़ी शब्द जो है वो क्या है? तो आपको बताना है देहज। इन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। सव्यास शब्द जो है वो क्या है भैया? तस्मय है, समय है। अग्नि का द्रव रूप जो है वो क्या है? तो आपको बताना है आग। जब कोई शब्द वाक्य में पिरोए दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं पद। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 38 की तरफ चलते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? अभी हमने बताया कि वो शब्द कहलाता है, यानी वो पद कहलाता है। ठीक है भाई, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। भिक्षा शब्द जो है वो क्या है? तो भिक्षा जो शब्द है वो है तस्मय। उसने उससे पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था। किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपको बताना है मिश्र वाक्य का जो है ये उदाहरण है। अब चलेंगे थोड़ा संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और संज्ञा में देखेंगे भीड़ शब्द जो है संज्ञा से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। दीपावली शब्द जो है वो किससे लिया गया है? वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संसार शब्द कौन से लिया गया है? तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा होता है? तो वो हो गया आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा से लिया गया है? तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक शब्द किससे लिया गया है? तो वो हो जाएगा आपके पास जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी शब्द क्या है? तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो ये हो जाएगा आपके पास 5। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको बताना है सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो आपको बताना है परिवार। सच्चरिता किस मूल के शब्द से है? तो आपको बताना है चरित। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा के उदाहरण है? तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा। आगे चलेंगे कि हम पढ़ेंगे कि टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? तो आपको बताना है टिकाव। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आपको बताना है क्रोधित। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो आपको बताना है हिमालय। ठीक है, सेना शब्द क्या है? तो आपको बताना है इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। कवि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो आपको बताना है कवित्री। अदरक जो शब्द है वो क्या है? आपको बताना है पुल्लिंग। गुस्सा जो शब्द है वो क्या है? आपके पास पुल्लिंग है। अनुभव शब्द जो है वो आपके पास क्या है? पुल्लिंग है। मनोविधीन शब्द जो है वो क्या है? आपके पास पुल्लिंग है। धर्म शब्द जो है वो क्या है? आपके पास पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद बताना है मुसीबत कौन सा लिंग है? तो आपको बताना है स्त्रीलिंग। समाज का लिंग जो है वो क्या है? तो आपको आगे बताना है कि समाज का लिंग निर्धारण जो होता है वो क्या है? तो आपको बताना है पुल्लिंग। काजल कौन सा लिंग होता है? तो आपको बताना है पुल्लिंग। सुबह शब्द जो है वो क्या है? आपको बताना है स्त्रीलिंग। बाल शब्द कौन से लिंग से लिया गया है? तो आपको बताना है पुल्लिंग। चाय शब्द कौन से लिंग से लिया गया है? तो वो होता है स्त्रीलिंग। भवन शब्द जो है वो क्या है? आपको बताना है इसका भी आंसर किसके साथ चला जाएगा? पुल्लिंग के साथ चला। चलिए नेक्स्ट की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर जो है 17 को देखेंगे कि बाल शब्द किस लिंग से है? तो आपको बताना है पुल्लिंग। चाय शब्द कौन से लिंग से है? तो आपको बताना है स्त्रीलिंग। भवन शब्द जो है वो किससे लिया गया है? तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। नदी जो शब्द है वो किससे लिया गया है? स्त्रीलिंग से लिया गया है। पूजा का लिंग निर्णय जो होता है क्या होता है? वो होता है उद्भव। फल का लिंग निर्णय जो होता है क्या होता है? वो होता है पुल्लिंग। तो इसमें कुछ हम लोगों ने जो है व्याकरण के क्वेश्चन को देख लिया है। अब शायद आप लोगों को हिंदी का और कोई जो है नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको बस बसरते क्या करूंगा कि आपको एक पेपर दिखा दूंगा, है ना, पेपर में दिखा दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो है और इसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लीजिएगा तो आपको कुछ जो है आपको लेखक का लेख आप याद कर लीजिएगा। जैसे मान लो अभी कोरोना का समय चल रहा है, हो सके कोरोना के ऊपर कोई लेख आ जाए, है ना। निबंध लिखने को मिलेगा तो निबंध आप लोग कुछ याद कर लेना है, लेख जरूर याद करना है, निबंध आपके पास हो जाएगा। व्याकरण जो मैंने पढ़ाया ये भी देख लीजिएगा और कुछ अपने से भी एफर्ट लगा लीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि देखो लेख से भी आपको 10 नंबर का काम हो जाएगा, निबंध से भी 10 से 15 नंबर का काम हो जाएगा, व्याकरण से आपको 25 से 30 नंबर का आएगा, है ना। और जो मैंने बुक के कुछ इंपोर्टेंट आप लोगों को करा रखे हैं वहां से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो कुछ क्वेश्चन वहां से रहेंगे। तो आप एक बार बुक को भी पढ़ लो और ये जो मैंने कराया है आप लोग इसको भी दे दो, और इसकी पीडीएफ जो है ना, इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो आप लोग इस टेलीग्राम के थ्रू जो है इस पीडीएफ को भी ले लेना, और पीडीएफ के थ्रू जो है एक बार आप इसकी स्टडी कर लेना और इसको आप प्रिपेयर करके जाओ। हो सके तो आज आपको एक और वीडियो मिल जाए जिसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा, और कल भी आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको इंग्लिश का ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने हिंदी के कुछ तो कर लिए हैं, और अब जो है थोड़ा सा इंग्लिश पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं और इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक को कवर कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं, चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।